आप सभी लगभग यह देखा होगा, रास्ते में कोई गाड़ी के पीछे कुत्तों को भागते हुए, पर आपको क्या इसका सही कारण पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक कुत्तों का ज्वलनशील स्वभाव। आपने बहुत सी फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा, इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। पहला कारण यही है, कुत्तों का चलती गाड़ी के पीछे पीछे भागने का। दरअसल कुत्ते अपने एरिया को लेकर काफी पोसेसिव होते हैं। वो पेड़ों, गाड़ियों के टायरों इत्यादि में यूरिन सीक्रेट करके ये सुनिश्चित करते हैं कि ये उन्हीं का एरिया है। चूंकि नाक के तेज होते हैं, इसलिए कोई शक नहीं कि वो अपने एरिया को पहचानते भी हैं, और अगर कोई आए तो उसे बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। और आपकी यहाँ आने की मनाही है तो शायद गलत नहीं होगा। पर जब किसी कुत्ते को किसी गाड़ी के टायर पर किसी दूसरे कुत्ते की यूरिन समझ आती है, जो तेज नाक के धनी कुत्ते के लिए काफी आसान होता है पहचाना, और खासकर तब जब गाड़ी तेजी से जा रही हो, तब एक एरिया के प्रति लगाव समझते हुए वो उस गाड़ी के पीछे दौड़ लगाता है। वर्चस्व और एरिया पर कंट्रोल, शायद इसे ही कहते हैं। और इससे अच्छा उदाहरण भी नहीं कोई तो भूखा होना। माना जाता है जब एक कुत्ता काफी भूखा हो तो तब भी वो चलती गाड़ी का पीछा करता है। तीन, जब किसी कुत्ते की मौत गाड़ी के नीचे आने से होती है। कुत्ता एक बेहद ही संवेदनशील जानवर होता है और दोस्ती निभाना जानता है। इस कारण जब भी कोई ऐसी गाड़ी जिस पर किसी कुत्ते को वो महक समझ आती है, वो तुरंत उस गाड़ी के पीछे हो लेता है और दूर तक दौड़कर अपने अनजान साथी के प्रति अपनी वफादारी निभाता है। चार, अकेलापन। थोड़ी हैरानी वाला बात है, पर जी हाँ, कुत्तों को भी अकेलापन महसूस होता है। और जब ये अकेलापन ज्यादा गंभीर रूप से बाहर समझ आता है, तब वो चलती गाड़ी का पीछा करते हैं।